नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। आदमपुर उपचुनाव में जीत के लिए क्या पूर्व सीएम भजनलाल के विश्नोई परिवार ने टोटके भी किए? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अब कुछ वीडियो और फोटो सामने आई हैं जिनमें कुलदीप विश्नोई घोड़ी पर चढ़े नजर आ रहे हैं, वहीं उनके उम्मीदवार बेटे भव्य विश्नोई ने ऊंट की सवारी की। चुनाव प्रचार के बीच भव्य की माँ रेणुका विश्नोई भी चुनावी मेहंदी लगाई। उन्होंने करवा चौथ के दिन हाथ पर चुनाव निशान कमल का फूल बनाया। हालांकि भाजपा के नेता इसे समर्थकों की इच्छा बता रहे हैं, मगर चुनाव के वक्त इस तरह के टोटके कोई नई बात नहीं है। अब यह फोटो वीडियो खूब चर्चा में आने लगे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भव्य विश्नोई चौधरी वास पहुंचे। यहां अचानक विश्नोई समर्थकों ने भव्य के लिए गांव की चौपाल में ही ऊंट मंगवाया। इसकी सीट को अच्छी तरह सजाया गया। फिर भव्य सीढ़ी से ऊंट पर सवार हुए। इसके बाद भव्य को गांव की जनसभा में लाया गया। आदमपुर में मतदाताओं की कुलदीप विश्नोई से काफी नाराजगी थी। इसकी वजह से चुनाव जीतने के बाद उनका यहां के आम लोगों के संपर्क में ना होना, इसका डर कुलदीप विश्नोई को सता रहा था। इसी वजह से अपनी जगह बेटे भव्य को चुनाव लड़ाने पर राजी हुए। चुनाव प्रचार के दौरान वह घोड़ी पर सवार हुए। घोड़ी का इंतजाम उनके ही समर्थकों ने किया था। इसके अलावा कुलदीप विश्नोई को भाजपा नेता के साथ ट्रॉली में सवार होकर गांव-गांव में वोट मांगने पड़े। कई जगहों पर समर्थकों ने नेताओं को लड्डुओं और केलों से भी तोला गया। चुनाव प्रचार के दिन भव्य की माता रेणुका विश्नोई ने भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मेहंदी लगाई। रेणुका ने अपने हाथों पर कमल का फूल वाली मेहंदी लगाई, साथ ही महिला वर्करों को करवा चौथ का सामान भी गिफ्ट किया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।